इस वक्त हमारे साथ रिठाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी हैं जी। हैं, देख सकते हैं किस तरह से वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। मनीष जी, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? घर घर जा रहे हैं और मोदी जी का संदेश पब्लिक में फैला रहे हैं, जो देश की स्थिति इस आम आदमी पार्टी के रहते हुए दिल्ली में जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है, जो जनता को इन्होंने ठगा है पूरे 5 साल, उसको हम लोग जन जन तक जाके बता रहे हैं और जनता में बहुत अच्छा रिस्पांस है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि काम क्या है, जिस रोड पर भी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, इस रोड का तो हाल टूटा हुआ है, बदतर है हाल, नाली भी खुली हुई है, पानी निकली हुई है हर जगह, टूटी सड़कें, बहता सीवर, गंदा पानी, रिठाला विधानसभा की यही कहानी। ये आपका अपना पंचलाइन है? जी, हमारा ये पंचलाइन है, उसी पे मैं लग रहा हूँ। सुनो, इसी पे लग रहा हूँ। आप वर्तमान में पार्षद भी हैं भाजपा के जी, आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो कुछ आपने सोचा होगा क्षेत्र के लिए ताकि आपको जनता वोट दे? मैं निगम पार्षद इससे बगल के वार्ड से था और 2 बार से मैं जोन का चेयरमैन हूँ। मैंने अपने वार्ड को बिल्कुल, आप जाएंगे तो वहाँ मैंने अभी लेटेस्ट दिनकर लाइब्रेरी बनाई है, एक हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, जबकि निगम फाइनेंशियल कम करण से गुजर रहा है और 9,000 करोड़ निगम का रुपया दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल में नहीं दिया, हमारे 20 तरह के फंड भी थे उसको बंद कर दिया है। तो इसलिए हम लोग सफ़र करते हुए, काम को देखते हुए पार्टी ने देखा तो मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं जनता के बीच हूँ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, सब फेक है, सिर्फ फेक, उन्होंने ये वादा किया है, ये सांच को आँच क्या है, आप खुद ही देख रहे हैं क्या बीते सच्चे बीते 8 साल और दिख रही है, सड़क पे दिख रही है और लगे रहो फर्जीवाल। इस बार आपको उम्मीद है कि रिठाला विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देगी? 50,000 वोट से रिठाला विधानसभा से हम लोग जीतेंगे और देश के जो टुकड़े टुकड़े कर गैंग के साथ जो पार्टी खड़ी है उसको पब्लिक इस बार नकारेगी। शाहीनबाग में पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ। वो प्रदर्शन नहीं चल रहा है, वो प्रायोजित गुंडागर्दी है, पैसे देके लोगों को बिठाया गया और देश का माहौल, दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको वहाँ पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले कर रहे हैं ये सब? ये मुझे लग क्या रहा है, आपने कई विभिन्न चैनलों ने भी ये दिखाया है कि वहाँ शाहीन बाग में ये लोग पैसे दे के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें पैसे मिलते हैं हम इसलिए बैठे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में आपका कंपटीशन किससे है, सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों हैं? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो देख सकते हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र से जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं मनीष चौधरी, उनके टक्कर में कोई भी उम्मीदवार नहीं है, ना आपके ना कांग्रेस के। इस बार रिठाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने केंद्र में काम किया है, उस ठीक उसी तरह दिल्ली के 40 लाख लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों से मुक्ति देकर उनको पक्का कॉलोनी दिया है। इन सभी मुद्दों पर दिल्ली की जनता इस पर भाजपा को वोट करेगी। कैमरामैन पंचानन के साथ किशोर कुमार झा, हिंदुस्तान समाचार, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।